दोस्तों पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कुछ बयान दिए, चलिए सुनते हैं। आजाद हुआ, लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि वो एक बड़े खुददार कौम है, कभी किसी की जरूरत नहीं है कि वहाँ इस तरह की बात करें। आज के समय इमरान खान पावर में आने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। पहला, वो पाकिस्तान की मिलिट्री को टारगेट कर रहे हैं और अपनी पार्टी के आईटी सेल की मदद से बाजुआ ट्विटर जैसे हैशटैग्स को ट्रेंड करवा रहे हैं। साथ ही खैबर पख्तूनख्वा जहां उनकी पार्टी पावर में है, उन्होंने आईएमएफ के बेल आउट पैकेज के टर्म्स एंड कंडीशंस मानने से इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से आईएमएफ का लोन भी डिले हो सकता है, जो फ्लड्स के बाद पाकिस्तान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। साथ ही हकीकी आजादी और अमरीकी गुलामी जैसे पॉपुलिस्ट नोशंस पर वो अपनी वापसी की स्ट्रेटजी को बिल्ड कर रहे हैं। और दोस्तों इन्हीं वजह से इमरान खान पाकिस्तान के लिए एक टिकिंग बॉम्ब से कम नहीं है। तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि क्या इमरान खान का पावर में आना इंडिया के लिए एडवांटेजियस है या नहीं।